हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे द सेल्फिश जायंट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए शुरू करते हैं। व्हाई इज द जायंट कॉल्ड सेल्फिश? जो दानव था उसको स्वार्थी क्यों कहा जा रहा है? द जायंट वॉज सेल्फिश बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप हिज गार्डन रिजर्व्ड ओनली फॉर हिमसेल्फ। ही बैंड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स देयर। क्योंकि जो जायंट था वो सिर्फ चाहता था कि उसके गार्डन में उसके अलावा और कोई भी बाहर का इंसान ना आए, तो इस वजह से उसने क्या किया, सबको वहाँ आने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हेयर, लेटर दे सेड हाउ हैप्पी वी वर देयर। What are they referring to in both the cases? तो how happy we are there, यानी कि बच्चों ने जब कहा था कि हम वहाँ कितने खुश हैं, और जब बच्चों ने कहा कि हम वहाँ कितने खुश थे, इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस पाया जाता है, क्यों कहा गया था? In both the cases, the children are referring to the giant's garden. दोनों ही बातों में बच्चे उस giant के garden के बारे में ही उल्लेख कर रहे हैं। In the first sentence, they say that they are enjoying in the giant's garden. पहले सेंटेंस में जहाँ पे लिखा हुआ है हाउ हैप्पी वी आर हेयर, यहाँ पे बच्चे जो है उस मोमेंट में गार्डन में इंजॉय कर रहे थे। बट इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज़ बियॉन्ड देयर रीच, यानी कि जो दूसरे केस में हाउ हैप्पी वी वर देयर, तब वो लोग उस गार्डन में प्रवेश नहीं करते थे, तो उस बात के सिचुएशन को बताया गया है। नेक्स्ट। व्हेन स्प्रिंग केम इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन, व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्प्रिंग आ गई थी फिर भी उसके गार्डन में विंटर छाया हुआ था, तो ये इस बात से क्या प्रूफ करता है? विंटर इंडिकेट्स दैट फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम इन द जायंट्स गार्डन। एज वी नो कि विंटर्स में फ्लावर इतना ज़्यादा ब्लूम नहीं करता है, और जायंट के गार्डन में भी ब्लूम खिल नहीं रही थी फ्लावर्स। बर्ड्स डिडंट सिंग, बर्ड्स नहीं आए थे उनके गार्डन में। देयर वॉज नो साइन ऑफ जॉय एंड ग्रीनरी, और उनके गार्डन में क्या था, बिल्कुल ही सन्नाटा, सिर्फ विंटर छाया हुआ था और स्नो और हेल से भरी हुई थी। नेक्स्ट पूछा गया है, विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे विंटर को बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ बताया गया है और उसके एक्टिविटीज़ के बारे में बताई गई है। ये क्या है? विंटर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज डिस्ट्रॉयर। तो इस चैप्टर में, इस स्टोरी में विंटर को एक डिस्ट्रॉयर यानी कि कहा गया है कि उसने गार्डन को ख़राब करके रखा हुआ था। इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर्स, स्नो एंड फ्रॉस्ट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर्स। तो वहाँ सिर्फ विंटर को दिखने के लिए, शो करने के लिए हमारे पास स्नो और फ्रॉस्ट ही थी। ट्रीज हैव बीन कवर्ड विथ वाइट क्लोक, और जो पेड़ थे वो किससे ढके हुए थे, बिल्कुल सफ़ेद रंग से ढके हुए थे। द ट्रीज लुक लाइफलेस, जो पेड़ पौधे थे उनमें जैसे जान ही नहीं थी। नॉर्थ विंड हैज़ कम टू स्टे देयर परमानेंटली, और नॉर्थ विंड यानी कि जो ठंडी हवाएं थी वो जैसे परमानेंटली हमेशा के लिए उस गार्डन में ठहर गई थी। हेल सेटल ऑन द रूफ, और जितने भी ओले वगैरह पड़े हुए थे वो सब वहाँ पे ठहर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज द जायंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ गार्डन? क्या जायंट अपने गार्डन को देखकर खुश था या दुखी था? द जायंट फेल्ट सैड टू सी द स्टेट ऑफ हिज गार्डन। तो जायंट अपने उस गार्डन को देख के बहुत ही दुखी था। Different seasons brought no change in it, क्योंकि उसके गार्डन में जो वेदर के चेंजेस, सीजन्स के चेंजेस हो रहे थे, बट उसके गार्डन में सिर्फ और सिर्फ विंटर छाया हुआ था, ना ही ऑटम आया और ना ही स्प्रिंग। What effect did the linnet song have over Hale and the north wind? जो linnet bird यानी वो जो little bird song गा रही थी, उससे उनके गार्डन में क्या effect पड़ा, क्या Hale और जो ठंडी हवाएं बह रही थी उस पर क्या असर हुआ? एज एन इफेक्ट ऑफ लिनेट सॉन्ग द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड। तो जैसे कि लिनेट बर्ड गाना शुरू करती हैं तो वहाँ पे जो उसकी बूंदे और ओले पड़ना वो सब बंद हो जाता है,
सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्या है, सिमिलरली नॉर्थ विंड सी इज रोरिंग और ठंडी हवाएं भी बहनी वहाँ पे बंद हो जाती है और लिनेट बर्ड्स सॉन्ग गाती हैं। द जाइंट सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी? तो जाइंट ने बहुत ही एक सुंदर सा नज़ारा देखा, वो क्या है? द जाइंट सॉ दैट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड एंटर्ड इन टू द गार्डन। तो जो उसके वॉल क्रिएट किए हुए थे गार्डन के चारों तरफ, उसके छोटे से छेद से सारे बच्चे उसके गार्डन में आ चुके थे अंदर। दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और उन्होंने देखा कि हर एक पेड़ के ब्रांच में, टहनियों में बच्चे बैठे हुए हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, and the tree were glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were warming their hands gently above the child run's heads. अब ये क्या है, बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे वहाँ पे आके और ऐसा लग रहा था कि गार्डन भी जैसे खिल उठी है उन बच्चों को देखकर। The birds were flying and twittering with delight and flowers were laughing. जैसे वहाँ पे birds जो है वो खुशी से झूम रही हैं, खुशी से ट्विटर कर रही हैं, अपने अंदाज में गा रही हैं, और जितने भी फ्लावर्स हैं वहाँ पे सभी जैसे मुस्कुरा रहे हैं। What did he realize on seeing it? इन सबको देखकर जायंट को क्या रियलाइजेशन, क्या फीलिंग हुई? He realized that he himself was to blame for year round winter in his garden. He called himself selfish. तो वो ये कहता है कि मैं अपने गार्डन में ये जो विंटर सीज़न साल भर के लिए रुक गया था, इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, और वो अपने आप को ही सेल्फिश कहता है। Why was it still winter in one corner of the garden? तो जैसे कि देखा कि उसके पूरे गार्डन में हरे भरे थे, लेकिन एक कॉर्नर में सिर्फ जो था वो विंटर पड़ा हुआ था। ऐसा क्यों? Only in one corner of the garden there was still winter. The reason was that a little boy couldn't climb the tree like other boys and he stood under a tree weeping. तो क्योंकि वहाँ पे हर बच्चे हर पेड़ के टहनियों में चढ़े हुए थे, लेकिन उस कॉर्नर में वो छोटा सा बच्चा उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था और वहाँ पे खड़े होकर वो फूट फूट के रो रहा था, जिसके कारण उन्होंने देखा कि सिर्फ उसी गार्डन के किनारे में विंटर छाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट। तो जो फर्स्ट मीटिंग, पहली बार जब वो छोटा बच्चा और जायंट मिले थे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बॉय एंड द जायंट लिफ्टेड हिम जेंटली एंड पुट हिम इन द ब्रांच ऑफ दैट ट्री। तो पहले मीटिंग में ये हुआ था कि वो छोटे बच्चे को अपने गोद में उठाकर और धीरे से उस ब्रांच पर बिठा देता है ट्री के ऊपर। The tree suddenly broke into flowers and bird began to sing. और जैसे ही वो बिठाता है तो जो नए फ्लावर्स होते हैं उस पेड़ पर खिल उठते हैं और बर्ड्स भी आकर उन पर बैठ के गाना गाना शुरू कर देती हैं। द चाइल्ड kissed द जायंट, और जो बच्चा था वो जायंट को उसके नेक को होल्ड करके उसे किस भी करता है। Describe their second meeting after a long interval. लंबे टाइम के बाद जब वो छोटे बच्चे से दोबारा मिलते हैं जायंट, तो क्या हुआ था? In the second meeting after so many years, the giant saw wounds on the little boy's palm and feet. तो लंबे मीटिंग लंबे टाइम के बाद जब जायंट उस बच्चे से मिले थे, तो उन्होंने देखा कि उनके हाथों में और पैरों में कील के निशान है, कील के घाव हैं। He became furious, और वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है। He wanted to kill the man who had wounded the child, और वो पूछता है कि तुम्हें किस तरह से घाव पहुँची, और मैं उस बंदे को बिल्कुल मार डालूँगा। But the boy said that those were wounds of love, लेकिन वो बच्चा कहता है कि ये घाव प्यार के हैं। Next question, the child lay dead. Giant lay dead all covered with white blossoms. What does the sentence indicate about the once selfish giant? तो जो giant जो था वो मर जाता है और उसके ऊपर white color के flowers से ढक जाता है। तो इस चीज़ से आपको क्या पता चलती है? This indicates that the giant has been blessed by Lord Christ himself. इससे हमें ये पता चलता है कि जो जायंट था उसको ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलता है किसका? लॉर्ड क्राइस्ट का।
He was neither cruel nor selfish. So Christ forgave him and took him to paradise. तो वो आखिर तक ना ही वो इतना ज़्यादा क्रूर गुस्से वाला रहा और ना ही इतना सेल्फिश रहा, इस वजह से जो क्राइस्ट थे, गॉड थे, उन्होंने उसे माफ़ करके और अपने साथ हेवन में ले गए, स्वर्ग में ले गए। तो ये था फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू गो थ्रू द चैप्टर यू कैन फॉलो द डिस्क्रिप्शन, देर यू विल गेट द लिंक। Thank you all of you and take care.